दिल्ली पुलिस ने अपने 6 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित जवान लखनऊ में अपराधियों के साथ पार्टी करते पकड़े गए थे। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जिन अपराधियों के साथ पुलिस के जवान पार्टी कर रहे थे वे अभी अंडर ट्रायल है और कोर्ट में सुनवाई के लिए उन्हें लखनऊ की अदालत में ले जा रहे थे। दिल्ली पुलिस के 3 बटालियन के 6 पुलिस वालों पर कार्यवाही करते हुए सभी 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें से 1 ASI, 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल शामिल है। दरअसल दिल्ली की जेल में बंद उत्तर प्रदेश के कुख्यात सीरियल किलर भाई रुस्तम और सोहराब को पेशी के लिए उत्तर प्रदेश ले गए थे। पुलिस वालों पर दोनों भाइयों को लखनऊ के होटल में ठहराने और सुविधाएं दिलवाने का आरोप है। लखनऊ के होटल में गुरुवार की रात यूपी पुलिस ने छापा मारकर इसका खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें लखनऊ के एक होटल में ठहरने की इजाजत दी। यहां आरोपियों से उनके परिवार के लोग और उनके गुर्गे मिलने आ रहे थे। दोनों आरोपी भाइयों का दिल्ली के जेल के आयाशी करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। दोनों भाइयों पर यूपी और दिल्ली में कई मुकदमे दर्ज हैं। उन पर हत्या, लूट और रंगदारी का आरोप है। वीडियो बनाई, पुलिस वाले लोग हैं सर, बताइए, सम्मानित लोग हैं। क्या सर, क्या नाम सर आपका? क्या सर, क्या खाना खाइए सर। अपना काम करिए, खाना खाइए, खाना खाइए। हाँ सर, वही है सर, टीम का। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज SP वेस्ट की जो टीम है उसने क्षेत्राधिकारी केसरबाग और SHO नाका, इनको सूचना प्राप्त हुई कि जो कुख्यात अपराधी सोहराब पुत्र वसीम निवासी नई बस्ती थाना कैंट है, जिसको जो कि 18 तारीख को दिल्ली से विभिन्न जनपदों में पेशी के लिए चला था, यह व्यक्ति फतेहगढ़ में पेशी के बाद कानपुर में इसकी पेशी हुई और आज कानपुर में से ये चल के लखनऊ आया और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो सिपाही इसके साथ थे वो श्री होटल रेलवे स्टेशन के पास एसबाग का जो एरिया है वहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। कमरा नंबर 201 में इसके रुकने की सूचना थी और यह भी सूचना थी कि पास में ही 205 और 206 में पुलिसकर्मी रुके हैं जिन्होंने इसे खुला छोड़ रखा है। यह भी सूचना थी कि इसके द्वारा किसी भी संगीन अपराध, यहाँ पर कोई अन्य अपराध भी यहाँ पर कारित किया जा सकता है और यह रात में ही फरार भी हो सकता है। पुलिस ने इस सूचना के क्रम में वहाँ पर दबिश दी और कमरा नंबर 201 में 2 महिलाएं मिली और एक व्यक्ति मिला जिसका नाम सोहराब है और वहीं दरवाजे के पास एक निगरानीकर्ता, एक अन्य व्यक्ति भी वहाँ पर मिला। इन सभी लोगों ने वहाँ पर पुलिस का विरोध किया, सरकारी कार्य में वहाँ पर बाधा डाली और हमलावर भी हुए। इन सभी को मौके पर वहाँ पर हिरासत में ले लिया गया। इसकी जो पत्नी है उसका नाम सन्नो खान बताया गया और बहन का नाम यास्मीन, जो व्यक्ति बाहर खड़ा था उसका नाम अंकित कुमार मिश्रा बताया गया है। वहीं बगल के कमरे में कमरा नंबर 205 और 206 में पुलिसकर्मी ASIM रामकिशन, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार, आरक्षी दीपक कुमार, आरक्षी अनिल, आरक्षी वीरेंद्र सिंह, आरक्षी सुरेश कुमार, इन सभी को भी वहाँ पर ये बगल वाले कमरे में पाए गए। ये दिल्ली पुलिस में कार्य करते हैं और इनके विरुद्ध जो है अंतर्गत भादवी 221 इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। वहीं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सरकारी कार्य में बाधा डालने और वहां पर जो शांति व्यवस्था भंग करने आदि धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।